नमस्ते दोस्तों, सुषमा रियल लाइफ ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे छोटे भाई बहन को प्यार भरा आशीर्वाद, और मेरे माता पिता मेरे बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है और झाड़ू लगा रही हूँ। तो तीनों कमरे में झाड़ू लगा चुकी हूँ, फिर बरामदे में लगा रही हूँ। तो अभी कमरे में तो नहीं दिख रहा था अच्छे से, तो इसलिए वहाँ का वीडियो मैं नहीं बनाई और बाहर झाड़ू लगा ले रही हूँ। और फिर चल रहे हैं अभी खाना बनाने। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत बड़ा नहीं है और वीडियो फुल वॉच करिएगा। तो हम सिर्फ आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और सब्ज़ी कल लाई नहीं थी, मैं गई ही नहीं थी, इसलिए तो वही आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अभी सब्ज़ी भून के हम चल रहे हैं मसाला पीसने। सब्जी में जीरे का तड़का लगा दी हूँ और फिर प्याज कट करके रखी थी मैं, प्याज को भी तड़के में दे दी। और जो भी मेरे भाई बहन वीडियो में पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरा वीडियो देखते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। तो चावल मैं बना चुकी थी, अभी रोटी मुझे बनाना है। तो चावल मैं रखती हूँ नीचे और तड़का हो गया है प्याज, अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। और मोबाइल मैं एक हाथ में ली हूँ और एक हाथ से सब्ज़ी भून रही हूँ। और दोस्तों, ठंडी बहुत है इस समय, कोहरा भी बहुत है। मैं झाड़ू लगा रही थी तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, कोहरा है बहुत। और हम आलू ऐड कर दिए हैं कढ़ाई में। और अभी टमाटर है, तो टमाटर हम यहाँ से ऐसे कट कर लिए हैं ताकि इसका छिलका आसानी से हम उतार लेंगे। तो बस दो भाग करेंगे टमाटर का हम, और सब्ज़ी में ऐड कर दे रहे हैं, और कुछ समय बाद तो छिलका हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो में बनाई थी और लेकिन मैं कैमरा तो ऑन की, लेकिन वीडियो शायद चालू नहीं हो पाया और मैं सारा काम कर ली और वीडियो मेरा रह गया ऐसे ही, बन ही नहीं पाया वीडियो। फिर मैं ढूंढने लगी तो मिला ही नहीं। कभी कभी ऐसे होता है कि हम वीडियो बनाते हैं, सोचते हैं कि कैमरा तो ऑन कर दिए हैं, वीडियो क्लिक कर दिए हैं बनने के लिए, लेकिन वो गलती से शायद हुआ नहीं। और मैं आ गई हूँ खाना बनाने के बाद छत पर। खाना बनाई थी तो मैं चूल्हे को पोती नहीं थी, तो बस इसके लिए पाई पतारी करने चली आई हूँ। तो राख जो है चूल्हे का, उसको हम निकाल ले रहे हैं और इसको झाड़ू लगा दिए हैं, तो राख निकाल ले रहे हैं और फिर इसको पोताई कर दे रहे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो राख मैं निकाल चुकी हूँ और इसकी चिकनी मिट्टी से पोताई कर दे रही हूँ। तो खाना बनाने के बाद पोताई तो ऐसे किया जाता है। तो सुबह मैं इसलिए नहीं की थी कि कोहरा बहुत था और बच्चों को स्कूल भी जाना था, तो पहले बच्चों का काम इस खाना बनाना, इसके बाद फिर चूल्हे की पोताई। तो खाना मैं गैस पे बनाई थी, चूल्हे पे सुबह नहीं बनाती हूँ क्योंकि छत पे बहुत ठंडी लगती है सुबह सुबह। और चूल्हे पर खाना बनता है तो गांव का तो यही काम है कि चूल्हे को लिपाई पोताई करना। तो गांव से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी मेरी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए और आप सभी मेरा वीडियो देख लें। तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मेरा काम सब हो गया है और आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक है। तो मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।